जगह पे हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ पे अतीक का पुश्तैनी मकान हुआ करता था। आप अगर इस मकान की बात करें तो काफ़ी बड़े इलाके में, एरिया में ये मकान फैला हुआ था, लेकिन सरकार ने इसको भी बुलडोज करने से पहले बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और समय रहते इस पूरे एरिया को जो है एक तरह से बुलडोज कर दिया। आज स्थिति यह है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठी हुई है और तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जब अतीक और उसके गुर्गों पे इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो गुड्डू मुस्लिम पे सरकार क्यों मेहरबान हो रही है? क्या गुड्डू मुस्लिम का मकान तोड़ने में उनको क्यों परेशानी आ रही है और अभी तक उसने क्यों तोड़ा है, क्यों नहीं तोड़ा है? उसकी वजह एक ये भी बताई जाती है कि गुड्डू मुस्लिम सबसे बड़ा राजदार है सरकार का और सरकार अपने राजदार को इस तरीके से नहीं परेशान करना चाहती। और इस तरीके से कई सारे ऐसी बातें हो रही है जिसको लेकर यह पता चलता है कि प्रशासन सिर्फ चश्मा फोटो लगा के क्यों छोड़ा है, जबकि दूसरे लोगों के मकानों को बुलडोज या फिर एक तरह से कह सकते हैं जमींदोज किया जा रहा है। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।